अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की वीडियो जो है वो पासिंग मार्क्स पर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर एक छोटी सी वीडियो बना दें, 9th क्लास के जो पासिंग मार्क्स हैं, 10th क्लास के जो पासिंग मार्क्स हैं, फर्स्ट ईयर के जो पासिंग मार्क्स हैं और सेकेंड ईयर के जो पासिंग मार्क्स हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि 33% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के, और पंजाब के जो तमाम 9 बोर्ड्स हैं उनमें पासिंग मार्क्स 33% हैं। और जो बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है बच्चों की तरफ से, वो सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसकी थोड़ी सी डिटेल आप दोस्तों को बता देता हूं, ताकि जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उनको उनके सवालात के जवाबात जो हैं वो मिल सके। तो उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि आप दोस्तों को मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले 9th क्लास और 10th क्लास की बात करते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स में से पास होने के लिए आप लोगों ने 25 मार्क्स लेने हैं, 25 मार्क्स लेने हैं। तो अगर कोई बच्चा 23 24 मार्क्स ले लेता है, तो हम उस बच्चे के भी मार्क्स जो हैं वो 25 कर देते हैं। तो 75 में से 25 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। और इसी तरह अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का है, तो उसमें अगर कोई बच्चा 20 मार्क्स लेता है तो वो पास है। अगर कोई 18 19 भी लेता है तो उसको भी हम पास कर देते हैं, लेकिन 60 में से 20 मार्क्स लेने वाला जो बच्चा है वो पास है। और अगर कोई पेपर 50 मार्क्स का है, जिस तरह इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है और तर्जमतुल कुरान का पेपर 50 मार्क्स का है, तो 50 में से 17 मार्क्स जो हैं वो पास होने के लिए लेने हैं आप लोगों ने, 50 में से 17 मार्क्स। और अगर कोई बच्चा 16 भी लेता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको भी हम पास कर लेते हैं। और अगर अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तरफ, और अगर आप दोस्तों का पेपर 100 मार्क्स का है, यानी पूरे 100 का है, तो उसमें से 33 यानी 33 मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं पास होने के लिए। लेकिन बोर्ड की तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, अगर कोई बच्चा 29 30 तक पहुंच रहा है, तो उसके भी हमने 33 मार्क्स करने हैं, 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं। और इसी तरह अगर कोई पेपर 85 मार्क्स का है, जैसा कि साइंस के सब्जेक्ट होते हैं 85 के, तो 85 में से 28 मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं। अगर कोई 26 तक भी पहुंचता है, तो उसके भी 28 मार्क्स जो हैं वो कर दिए जाते हैं। तो ये तमाम जो पासिंग परसेंटेज है वो आप दोस्तों को मैंने बताई है। इससे पहले ये वीडियो मैं बना चुका हूँ कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33% हैं। ये थोड़ा सब्जेक्ट को मैंने बताया सब्जेक्ट वाइज के कितने मार्क्स लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।